आज की हमारी जो क्लास है वो इंग्लिश है, ठीक है। और इंग्लिश के हम थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन कवर करेंगे और उसके अंदर ये चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश का टॉप सेक्शन है, उसमें क्या क्या आता है। ओके सर, आई हैव मेड यू होस्ट, तो नाउ यू कैन शेयर द स्क्रीन एंड अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन हेयर मी। यस 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 सर। ओके, जस्ट अ मिनट। स्टूडेंट्स, माय नेम इज शान नासिर एंड आई एम एन आईबीए ग्रेजुएट। आई वेंट टू आईबीए बैक इन 2012। ओके, सो आई हैव हेल्प मेनी स्टूडेंट्स क्लियर द टेस्ट। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द सिलेबस। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, गाइज प्लीज मेक श्योर दैट यू रोटेट योर फोन्स। सो वॉट कम्स इन द टेस्ट, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ओके। स्पेशली इन द इंग्लिश टेस्ट यू नेवर नो वॉट्स गोना बी देयर। पहले थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। नाउ गाइज, बैक इन 2010 मैनी स्टूडेंट्स दे फिगर आउट वॉट्स गोना बी ऑन द टेस्ट एंड मैनी टेस्ट प्रिपरेशन सेंटर्स दे नू विच बुक्स विल बी यूज। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो टेस्ट सेंटर्स थे उनको अंदाजा हो गया था कि भाई इस तरह का टेस्ट जो है वो आता है और आईबीए इन बुक से बनाता है। तो उस साल आईबीए ने क्या करा, टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया और कुछ और दे दिया, राइट। सो यू नेवर नो व्हाट्स गोना बी देयर। एंड गाइस, इफ यू लुक एट राउंड वन, ओके, यू गाइस आर गोना गो फॉर राउंड टू, बट इफ यू लुक एट राउंड वन दे गेव वोकैबुलरी एंड पोएट्री, राइट, वोकैबुलरी एंड पोएम्स। सो दिस वॉज समथिंग वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। वॉट हैपेंड विद अस वॉज दैट आई मेड सम ऑफ माई स्टूडेंट्स लर्न वोकैबुलरी, ओके। एंड एक्चुअली आई आस्क एवरी वन टू लर्न वोकैबलरी, वी गेव देम अ लिस्ट एंड द स्टूडेंट्स हु डिड लर्न द वर्ड्स दे हैड एन एडवांटेज बिकॉज दे वर फाइव वर्ड्स इन द टेस्ट फ्रॉम द लिस्ट। जिन बच्चों ने वोकैबलरी याद करी उनको पांच जो वर्ड्स थे वो लग गए उनके। और देखिए, एक अगर पांच वर्ड्स आपके लगते हैं तो आपके 20 पॉइंट्स हैं ऊपर चले जाते हैं। 92 वॉज द कट ऑफ एंड सम स्टूडेंट्स जस्ट गॉट 92। सो लुक, आई हैव वोकैबलरी इन बोल्ड। यू नेवर नो वॉट्स गोना बी इन द टेस्ट एंड समटाइम्स दे डू गिव वोकैबुलरी, अदर टाइम्स दे डोंट। इट्स रियली अप टू देम। दे ट्राई टू मेक इट अनप्रेडिक्टेबल। दे डू नॉट वॉन्ट यू नोइंग वॉट गोना बी ऑन द टेस्ट, बट गाइज वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग सीरियस हैं आई बी ए जाने में तो मैं सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा, आपको एक लिस्ट मिलेगी, आप मेक श्योर करें आप वोकैबुलरी याद करें, डेली के वर्ड्स याद करें, एटली लर्न एटलीस्ट 1000 वर्ड्स, राइट। सो वॉट एल्स इज देयर गाइज, लॉन्ग रीडिंग पैसेजेस, समटाइम्स देयर समटाइम्स नॉट देयर। लॉन्ग रीडिंग पैसेजेस आर लाइक सैड पैसेजेस, ओके। सो वील प्रैक्टिस दीज। So if you want to get better at reading, what do? You read as much as possible and especially the newspaper. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वी रीड क्या बोलते हैं उसे सब टाइटल्स, राइट, इन इन मूवीज दे दी सब टाइटल्स डू नॉट वर्क। इफ यू वॉन्ट टू गेट बेटर एट रीडिंग सो यू रीड द न्यूज़ पेपर एंड देर आर शॉर्ट रीडिंग पैसेजेस, देर इज पोएट्री। नाउ गाइज, पोएट्री ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेकिंग द टेस्ट दे आर नॉट लिटरेचर स्टूडेंट्स, ओके। आई थिंक लेस देन 1% आर लिटरेचर स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हु टेक इंटरेस्ट इन लिटरेचर और हु हैव टेकन लिटरेचर इन ओ लेवल और ए लेवल, दे ऑब्वियसली हैव एन एडवांटेज, बट मोस्ट स्टूडेंट्स दे हैव नॉट टेकन लिटरेचर। सो वॉट वी डू इन पोएट्री इज वी मेक यू लर्न शॉर्टकट्स। हम तुक्का लगा के आगे बढ़ते हैं। देखिए, आईबीए का जो टेस्ट होता है ना, इसमें तुक्का लगाने का बहुत आपको एक स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि टेस्ट कैसा आएगा और उसमें किस तरह मैंने किस स्ट्रैटेजी चलना है। अगर टेस्ट बहुत मुश्किल आ जाता है तो आप क्या करेंगे, यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी, ओके। अगर बहुत मुश्किल आ जाए तो आपको पहले यू हैव टू लुक फॉर इजी क्वेश्चन। ये बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे जस्ट लूज इट, दे गेट वेरी एंशियस एंड दे स्टार्ट डूइंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। गाइज, यू डू नॉट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरे पास लास्ट सेशन राउंड वन में एक बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा एंशियस होता था। उसको मैं हर क्लास में कहता था, देखो बेटा परेशान नहीं होना, टेस्ट अगर मुश्किल आएगा ना, क्योंकि ना उसको पोएट्री आती थी और इंग्लिश उसके पास एवरेज थी, वोकैबुलरी का उसने रट्टा लगा लिया था। तो आई ऑलवेज यूज टू आस्क हिम नॉट टू गेट एंग्शियस एंड गाइज ही गॉट 92, ही गॉट इनटू आईबीए, राइट। सो यू हैव टू गो विद अ स्ट्रैटेजी, यू कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। जनरली देर आर 45 क्वेश्चन इन द टेस्ट, ओके, एंड आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, एज फॉर 45 क्वेश्चन यू हैव अराउंड 45-50 मिनट्स। देन देर इज सेंटेंस करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, देर इज क्लोज पैसेजेस, दीज आर सिंपली ग्रामर पैसेजेस, दे चेक योर बेसिक ग्रामर, ओके, दे चेक बेसिक ग्रामर। देन देर आर जम्बल्ड पैराग्राफ्स। जम्बल्ड पैराग्राफ्स क्या होते हैं भाई, ऊपर नीचे पैराग्राफ्स होंगे, उनको साथ लेके उनको बताना है भाई कौन सा सेंटेंस कहाँ पर आएगा। दैट्स इट, कौन सा सेंटेंस कहाँ पर आएगा, सेंटेंस वन सही है, सेंटेंस वन सेंटेंस फाइव की जगह होना चाहिए,
And guys, then there are grammar concepts. There are a lot of grammar concepts that you have to masters, and they're pretty common on the test. For example, there are commas, semicolon, colons, dashes, modifiers, parallel structure. So as this is the first class, so what will we do today? Look, so guys, what's like very, very common on the test? Commas, semicolons, colons, and dashes. Okay, they're pretty much straightforward. They're linked with independent clauses. Okay, so today we'll start for first start with independent clauses. Independent clauses are very, very important. Okay, if you want to sail through the grammar section. And after independent clauses, we'll do commas and semicolons. Now, guys, if you have questions, please put them in the chat box so that I keep on answering them. और फिर हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं. यू हैव क्वेश्चंस? कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिए. ओके ओके, आई गॉट अ क्वेश्चन गाइस. ओके, श्योर श्योर सादिया, नो वरीज. नाउ गाइस, दिस इज वेरी बेसिक. ओके, आई फर्स्ट एक्सप्लेन दिस टू यू, प्लीज पे अटेंशन, एंड वंस वी आर डन आई विल गिव यू अ क्विज so that we can test your understanding. Guys, independent clause is a complete thought. Independent clause is a complete thought. We have enough water. Okay, so this is a complete thought, right? If I put because before it, or if I put if before it, it will become a dependent clause. Now I'll show you another example. He injured his foot. This is also an independent clause because this is a complete thought. Dekhiye baat, अगर गाइस आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, देखें एक बात ना भूलिएगा कि हम सब जो है वी आर लाइक उर्दू स्पीकर्स ओवर हियर, राइट? और सो यू ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू, उसका पाव इंजर हो गया, ये बात पूरी हो गई, राइट? कुछ कहने को रह तो नहीं गया ना. बट इफ आई ऐड बिकॉज बिफोर इट, इफ आई से बिकॉज ही इंजर्ड हिज फुट, क्योंकि उसका पाव इंजर हो गया था, दिस विल बिकम एन इनकम्प्लीट थॉट, राइट? सो यू इफ यू आर कंफ्यूज, just remember that you need to translate it into Urdu and you need to figure out whether it's a complete thought or it's an incomplete thought, right? So when we get enough snow, now let's convert it into Urdu. Jab hame enough snow milegi, right? Jab hame matlab kuch kehna reh gaya, right? Something left to be said. So this is a dependent clause, which means it's an incomplete thought. Because he injured his foot, I told you, क्योंकि उसका फुट इंजर हो गया, दिस इज एन इनकम्प्लीट थॉट, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? नाउ गाइस, लेट्स लुक एट दीस थ्री. आर दीस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? द फर्स्ट वन, आइडान रिटर्न फ्रॉम हिज फिशिंग फिशिंग ट्रिप. नाउ गाइस, व्हाट डू यू थिंक? जस्ट पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. ओके, ए बी एंड सी, व्हाट डू यू थिंक दीज आर? बताइए, independent or dependent clauses? What is A, guys? What is A? Is A a independent clause? Yes, Sadia, A is an independent clause too. Sania, yes, A is an independent clause. B and D, I didn't get. Okay, Munira, A is independent. Okay, Sadia, yes. Wajiha, okay. Naiba, yes. Okay, Shayan, B, dependent. Yes, guys. Okay, Mola Bucks, A. A is what, Mola? गाइज, ओके, सो यू पीपल लुक वेरी स्मार्ट, सबको लग रहा है समझ में आ रहा है. ओके ओके शायान, सो लुक गाइज, ए, आइडान रिटर्न फ्रॉम हिज फिशिंग ट्रिप, ठीक है ना? अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. देखिए, इन द टेस्ट यू डू नॉट ट्राई टू रीड लाइक द कंप्लीट सेंटेंस. इन मेनी केसेज यू सिंपली रीड द फर्स्ट वर्ड एंड यू नो, यू सिंपली रीड द फर्स्ट वर्ड एंड यू नो इट वेदर इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज. देखें, ए जो है ना वो एक नाम के साथ स्टार्ट हो रहा है. ए स्टार्टिंग विद अ नेम. गाइस, व्हेन इट्स स्टार्टिंग विद अ नेम, इट्स प्रोबेबली एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, लाइक गाइस, नाउ लुक एट बी. बी क्या है? इट्स स्टार्टिंग विद व्हेन, इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, अगेन, सी इज स्टार्टिंग विद अ नेम, चार्ली, इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम होगा नहीं. हमें खटाखट जल्दी जल्दी आसान आसान सवाल निकाल के हमें अपना स्कोर लेके आना है. हमें हर चीज समझ नहीं रही है. जो शख्स आईबीए के टेस्ट में हर चीज समझता है, सबसे पहले वही फेल होता है. ठीक है, तो हमें देखना है भाई हमें कौन सा सवाल आता है, कौन सा सवाल रेलिवेंट है, हम वो करके आगे बढ़ जाए. उससे आगे हमारा कोई कंसर्न नहीं है भाई.
अगर पता है एक बार टेस्ट के अंदर जो है एक जमाने में उन्होंने एसेस देना शुरू कर दिए थे, तो वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें क्या आता है। गाइस कैन यू प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑन द स्क्रीन। सर शाहिद आर यू देयर? ओके आई जस्ट डिसेबल फ्रॉम हेयर। ओके मूविंग ऑन। ओके गाइस नाउ लुक एट दिस। नाउ व्हाट डू यू थिंक ए बी एंड सी आर? ओके आई गॉट मैसेजेस, थैंक यू सहर एंड सादिया, सहर, वजीहा, सुधर, गुलाम, लकेश, सहर। ओके गाइस व्हाट डू यू थिंक दीज आर? ए बी एंड सी। आई डिसेबल्ड, वी कैन नॉट राइट एनी मोर। ओके N045, आई डोंट नो योर नेम। सादिया, ओके, सिमरन, श्वाति, कुमारी, ऑल राइट, ओके ओके सिमरन एंड जिया, ओके करण एंड दीवान। और गाइस वेरी एंथुसियास्टिक। देखें गाइस ए जो है ना, ए स्टार्टिंग विद आफ्टर, सो ए इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। बी स्टार्टिंग विद इफ, बी इज एन इनकम्प्लीट थॉट। बी इज एन इनकम्प्लीट थॉट इफ चार्लेट डिसाइड्स टू ज्वाइन द सॉफ्ट बॉल टीम। अगर अगर चार्लेट डिसाइड करे टू ज्वाइन द सॉफ्ट बॉल टीम, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनकम्प्लीट थॉट है। एंड सी इज स्टार्टिंग विद द नेम माया एंटर्ड द फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट। माया इज एंटर्ड द फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट? सो ए एंड बी डिपेंडेंट क्लॉजेस बिकॉज दे आर इनकम्प्लीट थॉट्स। इनकम्प्लीट थॉट होगी तो हमेशा डिपेंडेंट होगा, और कंप्लीट होगी तो इंडिपेंडेंट होएगा। नाउ गाइस दिस इज हाउ डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन स्टार्ट। ओके दिस इज हाउ डिपेंडेंट क्लॉजेस ओके सॉरी गाइस प्लीज राइट दिस डाउन। देखिए अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा ये आसान है, राइट? बट गाइस इन द टेस्ट यू डू नॉट हैव टाइम एंड दिस हैज टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो इसको इतना, अब होता क्या गाइस, इन द टेस्ट ऑल्सो स्टूडेंट्स दे नो द कॉन्सेप्ट बट दे आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज वॉट इज द क्वेश्चन टेस्टिंग। ओके दे कैन नॉट फिगर दैट आउट, सो यू हैव टू नो नो दिस बाय हार्ट। इसका इतना अच्छा आपको रट्टा लगाना होता है कि आपको पता हो कि भाई किस तरह जो है डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है। तो गाइस इफ इट्स, प्लीज राइट दिस डाउन और टेक अ स्क्रीन शॉट। इफ इट स्टार्ट विद आफ्टर, इफ इट स्टार्ट विद ऑल्दो, इफ इट स्टार्ट विद इवन दो, इफ इट स्टार्ट विद दो, इफ इट स्टार्ट विद एज इफ, इफ इट स्टार्ट विद एज इफ, एज दो, एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, वेन एवर, वेयर, वेयर एवर, वेदर, वाइल, इफ, वेन, इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। गाइस उसमें ये तीन करा रहा हूँ, फिर आई गिव यू अ शॉर्ट क्विज। द क्विज विल हैव द सेम क्वेश्चंस। ओके देखिए गाइस, ए इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज ए इज अ कंप्लीट थॉट। माई फिगर्ड आउट हाउ टू फिक्स द गार्बेज डिस्पोजल। माई फिगर्ड आउट हाउ टू फिक्स द गार्बेज डिस्पोजल, इट स्टार्ट विद द नेम, इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये बात आप याद रखिएगा। ओके इट स्टार्ट विद एज, इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। एज इफ यू न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, जैसे कि उसको पता था क्या होने वाला है। बी देखें, एज इफ यू न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, जैसे कि उसको पता था क्या होने वाला है, डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? सो अब गाइस लुक एट दिस ए। वेन एवर यू कम टू विजिट, जब भी आप विजिट करने आते हैं, जब भी आप विजिट करने आते हैं, अगेन इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज, इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। सो गाइज नाउ अभी हमने, आई एम गोना गिव यू, सर शाहिद प्रॉब्ली सेंट यू अ शीट ऑन द ग्रुप। ओके Now, it says independent dependent clauses. I'll just show that worksheet to you. Hold on. गाइस दिस इज द वर्कशीट। ओके सो यू हैव टू पुट अ डी आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉजेस, लुक फॉर डिपेंडेंट क्लॉजेस, लुक फॉर इनकम्प्लीट थॉट्स। ओके आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस, लकीरें यार मैं मिटा देता हूँ, अभी देख सकता हूँ कैसे मिटती हैं। बट आप लोगों को सबको समझ में आ गया, राइट गाइस? इफ इट्स क्लियर प्लीज मैसेज क्लियर। वो पुराना पुराना लोगों ने ट्राई किया पेन करने का, अभी कोई पेन नहीं करा, मैंने उसको डिसेबल कर दिया। गाइस दिस इज क्लियर, राइट?
I'm giving you a worksheet. You have to figure out the dependent clauses. इस वर्कशीट में, इफ यू गाइस, इफ यू गॉट इट प्लीज मैसेज क्लियर. ओके लकेश गॉट इट, सादिया गॉट इट, और अबाउट द रेस्ट गाइस जल्दी बता दें ताकि पता चल जाए कि भाई आप लोगों को समझ में आया नहीं आया. श्रुति कुमारी ओके, सना हिबा हर्षा N05 ओके गाइस ग्रेट, आप लोगों को समझ में आ गया. अगेन ये वर्कशीट आपके पास ग्रुप पे होगी, इसमें आप डिपेंडेंट क्लॉजेस देखें कौन कौन से हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस को रिकग्नाइज कीजिए. ओके थैंक यू गाइस, आई एम गिविंग यू अराउंड 5 मिनट्स फॉर दिस एक्सरसाइज डाउन इन योर कॉपीज. देयर विल ऑलवेज बी अ कॉमा आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज. ओके लुक, द वंस इन रेड आर डिपेंडेंट क्लॉजेस बिकॉज ही रैन कॉमा, क्योंकि वो भागा. इनकम्प्लीट थॉट कॉमा, अंटिल द सन सेट्स, जब तक सन सेट होता है कॉमा. ओके एज द लाइट डिम, इनकम्प्लीट थॉट कॉमा, वेयर एवर ही माइट गो कॉमा, जब भी वो जाए. वेन वी गेट स्नो, जब हमें स्नो मिले. इनकम्प्लीट थॉट कॉमा, वेन माया एंटर द फोटोग्राफी कॉन्टेक्स्ट, जब जब माया फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में गई राइट, जब उसमें एंटर हुई. इनकम्प्लीट थॉट कॉमा, आफ्टर आइडान रिटर्न फ्रॉम हिज फिशिंग ट्रिप, जब आइडान रिटर्न करा फ्रॉम हिज फिशिंग ट्रिप कॉमा. इफ चार्लेट डिसाइड टू ज्वाइन द, अगर अगर आ गया ना, अगर चार्लेट ज्वाइन डिसाइड टू ज्वाइन द सॉफ्टबॉल टीम कॉमा. ओके एंड गाइस, सो लॉन्ग एज यू नो कॉमा, इफ द ड्रेस इज ऑन सेल, अगर ड्रेस ऑन सेल है कॉमा. वेन एवर यू कम टू विजिट, जब भी आप विजिट करने आए कॉमा. अनलेस यू हैव द राइट साइज डिपेंडेंट क्लॉज कॉमा, वेन वी गेट इनफ स्नो, तो हो गया ना, ये दोबारा आ गया, सॉरी गाइस. बिकॉज ही इंजर्ड हिज फुट कॉमा, आज जिल रैन डाउन द हिल विद द पेल ऑफ वाटर कॉमा. गाइस अगेन जस्ट अ मिनट, सो गाइस इफ इट स्टार्ट्स, हाउ डू यू रिकग्नाइज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इफ इट स्टार्ट्स विद ही, शी, दे, वी, इट एंड मे बी अ नेम, इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज राइट, इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉमास के रूल्स, सही है. नाउ गाइस, रूल नंबर वन, देर विल ऑलवेज बी अ कॉमा बिटवीन अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगेन, देर विल ऑलवेज बी अ कॉमा बिटवीन अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. As you can see, the first one, although he is lactose intolerant, he likes to eat pizza for lunch. Dependent, comma, independent. Second one, dependent, comma, independent. Third one, dependent, comma, independent. Fourth one, dependent, comma, independent. देखिए गाइस, अगेन मैं बार बार यही बात कहता हूँ, एक ये बात कहता हूँ, अरे वोकैबुलरी वाली बात, ताकि स्टूडेंट्स को बात बिल्कुल क्लियर हो. देखिए लगता आसान है लेकिन एग्जाम में रिकग्नाइज नहीं होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे. मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बीस बीस, मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं जो कि लाइक देर एक्चुअली लैंग्वेज प्रोफेशन एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम टू ग्रास्प, बट दे डू नॉट वर्क हार्ड, दे टेक इट लाइटली, दे थिंक यार ये तो हमें आता ही है, हम कर ही लेंगे. टेस्ट में, टेस्ट इज अबाउट स्पीड राइट, यू हैव टू गो वेरी वेरी फास्ट. सो आई हैव सीन मेनी मेनी लैंग्वेज प्रोफेशन लर्नर्स गेटिंग अराउंड लाइक यू नो नॉट बींग एबल टू क्लियर द टेस्ट बाय मे बी 20 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स विद एवरेज इंग्लिश क्लियरिंग द टेस्ट बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट. तो मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि भाई कभी भी इस टेस्ट को आप लाइटली मत लीजिएगा, आप बिल्कुल रट्टा लगाइएगा भाई ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है. ओके सो डिपेंडेंट फर्स्ट फॉर्मूला इज वॉट, आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन, डिपेंडेंट क्लॉज कॉमा इंडिपेंडेंट फुल स्टॉप. नाउ गाइज, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस पाकिस्तान कराची में तो जितने भी स्कूल्स हैं ज़्यादातर ब्रिटिश सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट फॉर कराची अमेरिकन स्कूल विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्कूल. सो गाइज, अगर आप ये देखें, दिस इज अ लिस्ट, हिज हॉबीज इंक्लूडेड जंपिंग ऑफ प्लेन्स, क्रैशिंग हेलीकॉप्टर्स एंड ईटिंग जेली फिश. वी डू नॉट पुट अ कॉमा बिफोर एंड, बट फॉर द टेस्ट रिमेंबर
दैट यू हैव टू पुट अ कॉमा बिफोर एंड एंड बिफोर और. सो वॉट इज द रूल ओवर हेयर? द रूल ओवर हेयर इज वेन एवर, राइट दिस डाउन, वेन एवर यू हैव अ लिस्ट, वेन एवर यू हैव अ लिस्ट यू विल पुट अ कॉमा बिफोर एंड एंड बिफोर और. देखिए लिस्ट है ना, हम किस तरह बोलते हैं, हम बोलते हैं, आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल, माई मदर उप्स उप्स बॉट बनानास बनानास एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, राइट? बिकॉज दिस इज अ लिस्ट, आई विल पुट अ कॉमा बिफोर एंड. ओके गाइज, दिस इज फॉर द टेस्ट. मैं बार बार कह रहा हूँ दिस इज फॉर द टेस्ट. एंड गाइज, अ कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इज दैट दे डू नॉट लुक फिगर आउट वेदर इट्स अ लिस्ट और नॉट. लिस्ट होनी चाहिए भाई, लिस्ट. नाउ आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स. नहीं बेटा, आफ्टर एंड नहीं आएगा. आप देखें यहाँ पे बिफोर एंड लगा हुआ है ना सिमरन. जितनी बड़ी भी लिस्ट हो, सादिया, जब लिस्ट होगी तो एंड से पहले कॉमा लगेगा. ओके, सनिया सिंह, इफ द इंडिपेंडेंट इज इन द फर्स्ट, इज इन द फर्स्ट एंड आफ्टर दैट कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमा आएगा बीच में. ओके, नौशेरो फरीद एंड गिलगित बल्तिस्तान एंड गोटकिन बल्तिस्तान. ओके सर, एंड एस से पहले कॉमा, एस से पहले कॉमा. आप अपोस्ट्रोफी की बात कर रहे हो, वो अलग कॉन्सेप्ट है आजिया. नहीं, ओके, अब ये पूछ रहे हो एंड से पहले. जी, एंड से पहले आएगा और से पहले आएगा. जी बिल्कुल, अगर लिस्ट होगी गाइस, देखें भाई कुछ भी नहीं करना है, इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना है. जब भी आपके पास लिस्ट होगी, आप एंड से पहले और से पहले कॉमा लगा देंगे. आप अगेन, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इस लिस्ट को बहुत गौर से देखे. देखिए ये क्या कह रहा है, हिज हॉबीज इंक्लूडेड जंपिंग ऑफ प्लेन्स, क्रैशिंग हेलीकॉप्टर्स एंड ईटिंग जेलीफिश. लिस्ट है ना भाई ये, एक एंड से पहले कॉमा लगा दिया बस, इसमें कुछ और नहीं है. यहाँ वहाँ देखें गाइस, देखें दिस इज नॉट अ क्रिएटिव राइटिंग टेस्ट. आप ये ना पूछेंगे सर ऐसा आएगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा आएगा तो ऐसा करेंगे, वैसा नहीं आता है, आता ऐसा ही है. और अगर वैसा आता है, वैसे तो वैसा आता ही नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं, भाई ये आएगा तो ये आएगा. देखिए टेस्ट होता है ना, उसका एक सिलेबस होता है, जनरली वही चीज़ आती है. और अगर कोई नई चीज़ आती है तो वो सबके लिए जो होती है वो नई होती है, तो उसमें तुक्का लगा के आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपका जो गर्ज है वो टेस्ट बढ़ाने का है, टेस्ट निकालने का है. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अग्रीड. और गाइस, आफ्टर कॉलेज जेम्स हैड थ्री ऑप्शंस, गेट अ जॉब, अप्लाई टू ग्रेजुएट स्कूल और बिकम अ क्रिमिनल. ठीक है, और से पहले कॉमा आ गया. आपको सबको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि भाई आईबीए टेस्ट के लिए आपको आईबीए टेस्ट का सिलेबस करना है, आपको क्रिएटिव नहीं होना है. सो यू कैन टॉक टू सर शाहिद अबाउट दिस लेटर. ओके, अब गाइस देखें, आई एम अगेन डूइंग अ कॉन्सेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटेड टू कॉमास. देर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ कॉमास. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन गाइस. लेट्स लुक एट द ब्लैक टेक्स्ट. ग्रेट वाइट शार्क्स आर एक्चुअली लेस डेंजरस देन दे अपेयर. आई एम रीडिंग दिस अगेन गाइस. ग्रेट वाइट शार्क्स आर एक्चुअली लेस डेंजरस देन दे अपेयर. गाइस व्हाट इज, लुक एट द ग्रीन टेक्स्ट. द ग्रीन टेक्स्ट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. द ग्रीन टेक्स्ट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विल गो बिटवीन टू कॉमास. ठीक है, मैं उसको लिख लीजिए गाइस, दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज गो बिटवीन टू कॉमास. नहीं, मॉडिफायर कुछ और होता है बेटा, दिस इज नॉट मॉडिफायर. एंड सादिया बिल्कुल सही कह रही हैं आप. मैं दोबारा कह रहा हूँ, देखिए गाइस, पहले देखिए, जब भी एक कॉमा होता है टेस्ट में, क्वेश्चन कैसा आता है, यू विल हैव वन कॉमा एंड द अदर कॉमा विल बी मिसिंग. ठीक है, यू विल हैव वन कॉमा एंड द अदर कॉमा विल बी मिसिंग. रिमेंबर इट्स अ केस ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन. आई एम रीडिंग दिस अगेन, लेट्स रीड द ब्लैक टेक्स्ट. ग्रेट वाइट शार्क्स आर एक्चुअली लेस डेंजरस देन दे अपेयर. द ग्रीन टेक्स्ट गाइस इज नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. द ग्रीन टेक्स्ट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड इट विल गो बिटवीन टू कॉमास. अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होती, इफ दिस वुड हैव बीन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, देन वी वुड नॉट हैव गॉन विथ कॉमास. नाउ गाइस, द गाय क्लीनिंग द रूम इज द जैनिटर, राइट? द गाय क्लीनिंग द रूम इज द जैनिटर.
इसको बड़ा मैं लिख लेता हूँ जरा वर्ड पे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में। गाइस शुड आई पुट अ कॉमा ओवर हेयर एंड ओवर हेयर? नो, बिकॉज दिस इज एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, व्हाई इज दिस एसेंशियल इंफॉर्मेशन? बिकॉज इफ आई रिमूव दिस, इफ आई रिमूव दिस, इफ आई से द गाय इज द जैनिटर, इफ आई से द गाय इज द जैनिटर, देन विच गाय? देर कैन बी 100 गाइज इन द रूम। सो दिस इज नॉट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दिस इज असेंशियल इन्फॉर्मेशन। दिस इज वाई आई विल नॉट पुट इट इन बिटवीन कॉमास। मैं दोबारा बता रहा हूँ गौर से सुनिए मेरी बात को। द गाय क्लीनिंग द रूम इज द जैनिटर, द गाय क्लीनिंग द रूम इज द जैनिटर। अब सवाल में देखिए, सवाल में आपका दो ऑप्शन होंगे, ठीक है? एक ऑप्शन ये वाला होएगा और एक ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है? दो ऑप्शन होंगे, सही है? या तो हम कॉमा के साथ जाएंगे या हम कॉमा के बगैर जाएंगे। अब हमें फिगर आउट करना है कि भाई ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या फिर ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को हटा के बात करूं, द गाय इज द जेनेटर, पर कौन सा गाय है? देर कैन बी 100 गाय इन द रूम। सो दिस इज नॉट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दिस इज एसेंशियल इंफॉर्मेशन। सो आई डो नॉट नीड कॉमाज ओवर हेयर। द फर्स्ट वन इज करेक्ट, द गाय क्लीनिंग द रूम इज द जैनिटर। जी गाइज, आप लोगों को मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैसेजेस पढ़ लूँ। असेंशियल के साथ कॉमा नहीं आता। सिमरन बिल्कुल सही कह रही है, मौला बहुत समझ चुके हैं, जिया भी समझ चुके हैं, और सादिया कुछ कह रही है। जी बिल्कुल सही सादिया, वेरी गुड एग्जाम्पल। जी बिल्कुल सही कहा मौला बख्श, बिटवीन टू कॉमा ऑलवेज यस पोर्शन एक्स्ट्रा आता है। बिल्कुल बेहतरीन समझ गया आप लोग। सयान ये कॉमा स्प्लाइस नहीं है, कॉमा स्प्लाइस कुछ और होता है बेटा, लेकिन हाँ वो भी होता है। जी बिल्कुल गाइस, गुड टू नो, आप लोगों को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ये कंपेयर टू दूसरे के कॉमा के रूल से दिस इज लाइक अ बिट मोर डिफिकल्ट। नहीं कॉमा नहीं आएगा ना बेटा, एसेंशियल है ना, कोई कॉमा नहीं आएगा, उसके बाद क्यों कॉमा आएगा बेटा? आप अपनी तरफ से कॉमा नहीं लगा सकते जिया, आपको जो रूल है ना उसी पर जाना है, ठीक है? जो रूल है उसी पर जाना है। यहाँ वहाँ गाइस दिमाग नहीं चलाना, यहाँ वहाँ आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव होगा ना टेस्ट नहीं निकलेगा, ये बात याद रखना मेरी। बिल्कुल जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ना है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देखिए गाइस, एक जगह बच्चे ना बहुत फंस जाते हैं। देखिए असल में होता ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना पाकिस्तान के, वो ज़्यादातर उनको लगता है कि हर चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो ज़्यादातर मैट्रिक इंटर से आते हैं और ओ लेवल के अंदर भी रट्टा मार के आते हैं। आईबीए के टेस्ट में ऐसा हो जाता है दैट रीडिंग इज समटाइम्स वेरी वेरी टफ, राइट? एंड गाइस, इफ रीडिंग इज टफ, यू सिंपली कैन नॉट डू इट, नो बडी कैन डू इट। इट्स नॉट ओनली इन द आईबीए टेस्ट, बट इट्स ऑल्सो रेलिवेंट टू सैट एंड इट्स ऑल्सो रेलिवेंट टू आयल्स। सो यू हैव टू लीव इट एंड लेट गो एंड मूव ऑन। कोई भी बच्चा सारे के सारे सवाल सही करके नहीं आता है, ठीक है? तो यहाँ वहाँ दिमाग नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जो सिखाया गया है उसी सवाल को ढूंढना है और उसी सवाल को करना है। हर सवाल बिल्कुल भी नहीं करना है ना सोचना है, जो सोचेगा सबसे पहले भाई उसकी किस्ती डूबेगी। नाउ गाइस लुक एट दीज टू सेंटेंसेस, ओके? नाउ गाइस, वेदर देर शुड बी अ कॉमा और देर शुड नॉट बी अ कॉमा, लेट्स फिगर दिस आउट, ए और बी। सो फर्स्ट वी विल फिगर आउट, यार फर्स्ट वी विल फिगर आउट वेदर दिस इज असेंशियल और नॉन असेंशियल इन्फॉर्मेशन। इफ आई रिमूव द फर्स्ट, लेट्स रीड इट विदाउट द ग्रीन पार्ट। स्टूडेंट्स विल एस द एस ए टीज, स्टूडेंट्स विल एस द एस ए टीज। इफ आई से दिस, विच स्टूडेंट्स? देर कैन बी 100 स्टूडेंट्स इन द रूम, राइट? सो आई कैन से दैट द ग्रीन टेक्स्ट इज असेंशियल इन्फॉर्मेशन। आई कैन से द ग्रीन टेक्स्ट इज असेंशियल इन्फॉर्मेशन, ओके? एंड देर शुड बी नो कॉमास, ठीक है? अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसके बगैर सेंटेंस का सेंस नहीं बनता है, दिस से दे शुड बी नो कॉमास। सही है ना गाइज? बहुत सारे मैसेजेस आ गए। जी गाइज, आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में आ रहा है, नाइस टू नो, थैंक यू फॉर बींग सो एंथुजियास्टिक। ओके लुक गाइस, क्राउड स्टूड इन लाइन टू सी ऑथर जे के रोलिंग अ बुक स्टोर इन लंडन। शुड आई पुट अ कॉमा, शुड आई पुट जे के रोलिंग बिटवीन कॉमास, शुड आई पुट जे के रोलिंग बिटवीन कॉमास? एब्सोल्यूटली नॉट, क्योंकि
दिस इज एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. इफ आई रिमूव जेके रोलिंग द सेंटेंस विल नॉट मेक सेंस राइट. इट विल बी समथिंग लाइक क्राउड स्टूड इन लाइन टू सी ऑथर एट द बुक स्टोर इन लंडन राइट. एट द बुक स्टोर इन लंडन. अरे भाई कौन सा ऑथर. देर कैन बी अ लॉट ऑफ ऑथर्स राइट. एट द बुक स्टोर देर कैन बी अ लॉट ऑफ ऑथर्स. सो आई डू नॉट नीड कॉमास ओवर हेयर एज दिस इज एसेंशियल इंफॉर्मेशन. द सिक्स सेंचुरी फिलोसफर बेटा वो कुछ और है. देखिए यहाँ वहां नहीं जाए गाइज प्लीज पे अटेंशन. शोए बेटा फोकस फोकस करना है भाई. ये तेरे इसको टेस्ट को आसान बनाना है. द सिक्स सेंचुरी फिलोसफर बोएथस वॉज अरेस्टेड टॉर्चर्ड एंड ब्लजन टू डेथ. ओके तो गाइज लेट्स लेट्स मेक लेट्स कम अप इन टू सिनेरियोज अगेन. आप इसे बहुत आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड बिफोर आई गिव यू गाइज एक्सरसाइज और बिफोर आई मूव ऑन टू सेमी कोलन्स. ओके बिकॉज दीज आर ऑल लाइक द सेम सेमी कोलन्स कोलन्स कॉमास एंड डैशेज लाइक दिस टेस्ट द सेम कॉन्सेप्ट. ओके सो गाइज वी हैव टू सिनेरियोज सिनेरियो ए एंड सिनेरियो बी. इफ आई गो विद सिनेरियो ए there are no commas, scenario B there are commas. So first of all I figure out whether Boethius is essential or is it non-essential. Okay so let's read it. Without Boethius the 6th century philosopher was arrested, tortured and bludgeoned to death. Bhai kaun sa 6th century ka philosopher. There can be a lot of philosophers right. So agar hum isko agar hum Boethius hata denge the sentence will not make any sense right. Kyunki hame pata nahi hoga bhai kaun sa 6th century ka philosopher tha. So Boethius is essential information. Boethius is essential information, and it should go between. It should, and there should be no commas. And there should be no commas. बेटा पहले का कॉमा क्यों आएगा बेटा. बस जिस तरह बताया उसी तरह आएगा. बस कोई कॉमा वॉमा नहीं आएगा. सब कॉमा भूल जाए. बस ये वाले कॉमे देखे ना. एक दोनों में से एक कॉमा भी नहीं आएगा दीवान. ओके एक कॉमा भी नहीं आएगा. ओके गाइज नाउ लेट्स सी बिकॉज आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर. सो आई फील दैट आई शुड मूव ऑन नाउ गाइज. नाउ गाइज वी हैव टू ऑप्शन. इधर आई कैन डू टू और थ्री मोर एग्जाम्पल्स और आई कैन मूव ऑन टू सेमी कोलन्स और अनदर अदर कॉमा कॉन्सेप्ट. गाइज इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर. प्लीज लेट मी नो दिस मैसेज क्लियर. अगर सबको समझ में आ गया तो फिर मैं कॉमा का दूसरा आई कैन डू सेकंड वन. ओके एन ओ 4-5 दीवान. ओके ओके श्योति कुमारी. गाइस जल्दी बता दे सबके सब प्लीज लेट मी नो गाइस फास्ट. ओके आजम. ओके लाकेश इकरा. ओके बौला बख्श अख्तर शयान. ओके शोएब ग्रेट गाइस ग्रेट माशाल्लाह सबको समझ में आ गया है. वेरी नाइस. ओके सिमरन. सो गाइस ओके करण तो इसको फिर आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है इसको नहीं देखते. अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और बड़ी काम की चीज़ जो कि अक्सर टेस्ट में देखी गई है और आती रहती है. नाउ गाइज लुक वेन एवर विच इज पार्ट ऑफ नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. वेन एवर विच इज पार्ट ऑफ नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देर विल बी अ कॉमा बिफोर विच. ठीक है ना गाइज. नाउ लेट्स रीड दिस. रनर्स अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन द बॉस्टन मैराथन. Right, this is the sentence which is 26 miles long. This is extra information. ठीक है अब गाइज देखिए होता क्या है. समझ में सब आ रहा है बच्चों को लेकिन एग्जाम में देखिए आपको ये सवाल पकड़ना कैसे है. देखिए भाई एक सवाल के होते यू फॉर वन क्वेश्चन यू हैव 4 points. यू हैव टू नो वॉट इज द क्वेश्चन टेस्टिंग. यू सी विच एंड देर इज नो कॉमा बिफोर विच यू ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली गेट वेरी वेरी सस्पिशियस. अच्छा भाई कॉमा क्यों नहीं है. So again, if which is part of, please write this down in your copies. If which is part of extra information, there will be a comma before which. Now, guys, remember, अच्छा ये इसके बड़े ज़बरदस्त सवाल आते हैं guys, और ये अक्सर आते हैं. Remember this, guys, very very important, and write this down. There should be no comma before or after that. No comma before or after that. What happens in the test is that there are options where there's a comma after that. Okay, you do not even look at those options. क्या होगा भाई दो ऑप्शन होंगे A और B और C और D.
और दो में ऐसा होएगा कि दैट, एक में दैट के पहले कॉमा लगा होएगा, एक में दैट के बाद कॉमा लगा होएगा। आप बोले भाई दोनों मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैं टाइम जाया करना ही नहीं है, दैट से आगे पीछे कॉमा आया गलत है भाई, देखना ही नहीं है, आंखें बंद कर लेनी है भाई उस ऑप्शन के, उस ऑप्शन को देखना ही नहीं, आंखें बंद कर लेनी है। नाउ गाइस आई हैव अ मैसेज, लेट्स सी, ओके अदनान आई जस्ट रिपीट द कॉन्सेप्ट, दिस वन दैट वन, ओके ओके अदनान, ओके गुलाम ग्रेट, एंड विच कॉन्सेप्ट अदनान, दैट वाला, ओके अदनान आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, सो आई डो नॉट रियली नो, ओके आई गॉट अ मैसेज, आंखें कैसे बंद करेंगे बता रहा हूँ अदनान, ओके ओके गाइज मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सिमरन मैंने बताया कि भाई आंखें ही बंद करनी होती है टेस्ट के अंदर। देखिए जो टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट अक्सर वो ऐसे करते हैं कि आपको आपकी चेक करते हैं कि आपकी एंगजाइटी लेवल कैसा है, ठीक है, आप आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो खैर यहाँ पर नहीं बोलूंगा मैं, कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज इवन इन द इंटरव्यू आई टेल यू अबाउट दिस दिस स्टूडेंट, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, ही वेंट टू ही वेंट फॉर एन इंटरव्यू एंड लॉन्ग टाइम अगो, एंड द इंटरव्यूअर गेव हिम अ वेरी डिफिकल्ट मैथ क्वेश्चन, राइट। अब गाइज ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड दैट द स्टूडेंट इज नॉट लाइक अ पीएचडी मैथ्स, राइट। सो एंड द थिंग इज दैट उसने जो है ही द गाय स्टार्टेड स्वेटिंग, सो दिस इज जस्ट अ टैक्टिक, ठीक है। मुश्किल सवाल जो होते हैं ना, दैट जस्ट अ टैक्टिक सो दैट दे कैन कन्फ्यूज यू, दे ट्राई टू मेक इट हार्ड फॉर यू, सो यू हैव टू लुक फॉर द राइट क्वेश्चन। बकिया जो भाई जो यहाँ वहाँ के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर बिल्कुल आंखें बंद। अच्छा गाइस मैं दोनों बता रहा हूँ, फर्स्ट इसको समझ लें, जस्ट राइट दिस डाउन, देर विल बी नो कॉमा बिफोर और आफ्टर दैट, इज दिस क्लियर राजेश, दिस सर शाहिद कैन डू दिस, ओके आस्क हिम, आफ्टर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम कर सकते हैं, बिकॉज सीन ये है कि अभी तो पहले कॉन्सेप्ट तो कर लें, एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे एक साथ, तो सब कुछ नहीं करा सकते ना, अभी पहले बेसिक चीज़ें तो कर लें, ओके। सो गाइज प्लस राइट दिस डाउन, देर विल बी नो कॉमा बिफोर और आफ्टर दैट, एंड द लास्ट वन, बिकॉज स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, राइट दिस डाउन, वेन एवर विच इज पार्ट ऑफ नॉन असेंशियल इन्फॉर्मेशन, वेन एवर विच इज पार्ट ऑफ नॉन असेंशियल इन्फॉर्मेशन, देर विल बी अ कॉमा बिफोर विच, वेन एवर विच इज पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओके थैंक यू जिया, वेन एवर विच इज पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देर विल बी अ कॉमा बिफोर विच रनर्स अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन द बॉस्टन मैराथन, ओके ये सेंटेंस है, विच इज 26 माइल्स लॉन्ग, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देर शुड बी अ कॉमा बिफोर बिफोर विच वेन इट्स पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आई होप एवरीबडी गॉट दिस गाइज, फॉर द टेस्ट रिमेंबर देर विल बी नो कॉमा बिफोर और आफ्टर आई लाइक, देर विल राइट दिस डाउन, देर विल बी नो कॉमा बिफोर और आफ्टर आई लाइक, देर विल बी नो कॉमा बिफोर और आफ्टर आई लाइक। नाउ गाइज इन दिस केस लुक, और मीट ईटिंग इज डिफाइनिंग कार्निवोरस, राइट, अगेन रीड, लायंस आर कार्निवोरस और मीट ईटिंग मैमल्स, और मीट ईटिंग इज डिफाइनिंग कार्निवोरस, सो और मीट ईटिंग शुड गो बिटवीन कॉमास, ठीक है। अब क्या कर रहा है भाई, मैं अब बताता हूँ आपको उर्दू में, जो और मीट ईटिंग है वो कार्निवोरस को डिफाइन कर रहा है, जो और मीट ईटिंग है वो कार्निवोरस को डिफाइन कर रहा है, तो अगर पहले वाली टर्म को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो इसको कॉमास में जाना होता है, बस ये एग्जाम्पल का रट्टा लगा लेना, वैसे ये सवाल इतना कॉमन नहीं है लेकिन आ सकता है भाई। देखो गाइस फॉर आफ्टर फॉर एग्जाम्पल देर विल बी अ कॉमा, आफ्टर फॉर एग्जाम्पल देर विल बी अ कॉमा, आफ्टर हाउ एवर देर विल बी अ कॉमा, आफ्टर फर्दर मोर देर विल बी अ कॉमा, आफ्टर मोर ओवर देर विल बी अ कॉमा। नाउ गाइस लुक एट दिस, व्हेन एवर सच एज इज पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, व्हेन एवर सच एज इज पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देर विल बी अ कॉमा बिफोर सच एज, वेन एवर सच एज इज पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देर विल बी अ कॉमा बिफोर सच एज। मैं लिख देता हूँ ताकि गाइज आप लोग लिख लें इसको अपने पास, सबको आसानी हो जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, बहुत आता है ये, तो मैं इसको लिख देता हूँ, आप भी इसको लिखिए, चले भाई लिखते हैं, वेन एवर सच एज
इफ सच एज, हाय, इज पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, देर शुड बी अ कॉमा बिफोर सच एज, बिफोर इट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, लेट्स रीड दिस। द स्पेसेस आर यूजली स्टॉक्ड विद स्टैंडर्ड ऑफिस इक्विपमेंट, राइट। द स्पेसेस आर यूजली स्टॉक्ड विद स्टैंडर्ड ऑफिस इक्विपमेंट सच एज फोटोकॉपियर्स, प्रिंटर्स एंड फैक्स मशीन्स। फोटोकॉपियर्स, प्रिंटर्स एंड फैक्स मशीन्स, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राइट। दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दिस शुड गो, दिस देर शुड बी अ कॉमा बिफोर इट, देर शुड बी अ कॉमा बिफोर इट। ओके ग्रेट सिमरन, ओके आई डिडंट गाइड हितेश, यार नाम तो लिख लें, 22 22 N। ओके थैंक यू सिमरन फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। ठीक है, अब फर्दर लेट्स मूव ऑन। वैसे यार आप लोग तो बहुत पढ़ने वाले बच्चे, पता है जब मैंने टेस्ट दिया था गाइस तो मैं सिर्फ 2 ढाई घंटे पढ़ता था, और मेरा इतना टेंशन स्पैन था ही नहीं, और मैं जो था लिटरली एक अलग ही स्टूडेंट था। बट मैं मेरी एक रिस्पॉन्स मैं बस, लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ता जरूर था, मेरे कंसिस्टेंसी मेरे अंदर बहुत थी। मैं पहले सुबह उठता था, पहले सुबह उठ के मैं वोकैबुलरी याद कर लिया करता था, फिर मैं क्वेश्चंस वगैरह करता था, एंड दैट्स इट। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे डेडिकेटेड, राइट। कुछ ऐसे होंगे चलो यार करते हैं, चलो यार करते हैं। आपका यार जिया तुम बहुत होशियार लग रहे हो, गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स कितने होशियार होते हैं। ओके श्योर श्योर सादिया, नो वरीज। तो गाइज सही बात है, आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं बताता हूँ। और देखिए गाइस, और देखिए लक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माई ब्रदर, राइट, माई ब्रदर इज ही वॉज एक्चुअली ही हिज लाइक आई सक्ड एट मैथ्स, राइट। माई इंग्लिश वॉज रियली गुड। माई टीचर बैक इन द डेज टोल्ड मी दैट यू विल बी एबल टू क्लियर द इंग्लिश टेस्ट, लाइक यू नो, नो वरीज अबाउट दैट। बट माई मैथ्स वॉज वेरी वीक एंड आई क्लियर द मैथ्स टेस्ट बाई 2 पॉइंट्स, राइट। एंड माई ब्रदर हु वॉज रियली गुड इन मैथ्स एट दैट टाइम, बिकॉज दे चेंज द टेस्ट फॉर्मैट कम्प्लीटली, ओके, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, ही फेल्ड बाई 2 पॉइंट्स, राइट। सो गाइज इफ यू गेट इन टू आई बी ए, ट्रस्ट मी, इट्स अ प्लस पॉइंट एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट, बिकॉज देर इज दिस ब्रांड नेम, ओके, यू विल गेट अ बूस्ट। हाउ एवर इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। So my brother, he was not able to get in, he went to another university, but for MBA he went to IBA. तो जिसका BBA नहीं होता उसका MBA में तो हो ही जाता है। तो पहले तो आप पूरी कोशिश करें कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है, पूरी कोशिश कर लें, अगर नहीं ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो। एनी वेज लेकिन एक बात याद रखिए गाइस, लक ऑल्सो प्लेज अ पार्ट, राइट। इवन दो आई सक्ड एट मैथ्स, आई क्लियर बाई 2 पॉइंट्स एंड ही वॉज रियली गुड इन मैथ्स, ही फेल्ड बाई 2 पॉइंट्स एंड ही गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड। यू शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड गाइज, यू हैव टू लर्न। यू नो गाइज, अगेन स्टूडेंट्स, अगेन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी बैकग्राउंड, हम सब पाकिस्तानी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी डो नॉट नो हाउ टू डील विथ फेलियर। हम समझते हैं कि भाई हर चीज़ में हम जी सकते हैं, राइट, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा यू नो, इफ यू फेल, इंशाल्लाह यू गाइज विल बी एबल टू गेट इन, बट इफ यू फेल ऑलवेज हैव अ प्लान बी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं बाद में, जस्ट बिकॉज वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। एनीवेज बातें तो चलती रहेंगी गाइस, इसको कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सच एज ऑल्टीट्यूड एंड वेदर, राइट। सच एज ऑल्टीट्यूड एंड वेदर इज नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इट शुड गो बिटवीन कॉमास। समवन वाज आस्किंग मी सर, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन कम इन द टेस्ट, राइट। दिस इज लाइक अ सैम्पल टेस्ट क्वेश्चन। सच एज ऑल्टीट्यूड एंड वेदर, दिस विल गो बिटवीन कॉमास बिकॉज दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके अग्रीड, द रेड टेक्स्ट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड दिस विल गो बिटवीन कॉमास। नाउ गाइज शोर सिमरन, हो जाएगा भाई, टेस्ट ले, नो वरीज गाइज। नाउ आई एम गिविंग यू अ कॉमा वर्कशीट एंड दे, चलो थोड़ा सेमी कोलन, अच्छा ये भी कर लेते हैं एक मिनट बस, इसके बाद आई गिव यू अ वर्कशीट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। गाइज नाउ व्हाट्स अ सेमी कोलन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, अ मेजर मिस्टेक, स्टूडेंट्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये दोनों अलग हैं भाई। गाइज द फर्स्ट वन, इफ यू आर कंफ्यूज प्लीज राइट दिस डाउन, द फर्स्ट वन इज अ सेमी कोलन एंड द सेकेंड वन इज अ कोलन। द फर्स्ट वन इज अ सेमी कोलन
and second one is a colon, right? Not forget this. Right now we are working on a semicolon. Okay. So what is the rule for semicolon that you need to remember? It is pretty straightforward. A semicolon. Wait, kya likh diya yaar? Guys, sorry. Independent. Please write this down. Independent clause. Semicolon. Independent clause. Full stop. Right. Independent clause. Semicolon. Independent clause. Okay. This is the rule you need to remember. A semicolon is used to connect. Write this down. A semicolon is used to connect to independent clauses. Okay, guys. Now let's look at the question types. Okay, guys. Just read these examples very, very carefully, and you will see that in all of the three examples, a semicolon is being used to connect two independent clauses. इसको गौर से पढ़ने भाई सब. ओके सना ग्रेट. ओके श्रुति कुमारी. ठीक है गाइस. हेलो गाइस, दिस इज अगेन अ सैम्पल क्वेश्चन. आई टोल्ड यू व्हेन एवर देर इज अ लिस्ट यू हैव टू पुट अ कॉमा बिफोर एंड. लुक इन दिस वन देर इज अ सेमी कोलन बिफोर एंड. इस तरह एग्जाम में आता है राइट. देर शुड बी अ कॉमा बिफोर एंड व्हेन इट्स अ लिस्ट. देर शुड बी अ कॉमा बिफोर एंड व्हेन देर इज अ लिस्ट एंड नॉट अ सेमी कोलन. देखिए गाइस, द फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज इट्स कनेक्टिंग. चलो उसको लिख लेते हैं भाई. गाइस, द फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. देखिए मैं, लेट मी कलर इट. Ready for a journey of a lifetime. What is this? This is a dependent clause, and this is an independent clause. So I told you that a semicolon is used to connect two independent clauses. I told you that a semicolon is used to connect two independent clauses. In this case, we have a dependent clause. That is, the red one is a dependent clause. And the blue one is an independent clause. So guys, instead of a semicolon, we should put a comma, because remember I gave you this formula in the beginning, that depend. This was the formula: dependent clause, comma, independent clause. Full stop. This fits our formula, right? This is a dependent clause. And this is an independent clause. ठीक है guys. Let me read the messages. अच्छा जी, डन 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 डन. ओके हितेश. ओके अख्तर. सर क्या हम लेटर सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं 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 भाई, वो नहीं, सेमी कोलन का ये यूज़ नहीं, जिया नहीं होता ना सेमी कोलन का, ये कोलन का होता है. पर जो देखिए, जो जिया मैंने जो आपको बताया ना, सेमी कोलन का यूज़ सिर्फ यही यूज़ है. कोई और यूज़ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लें. सही गाइस. अब थोड़ा लेट्स मूव ऑन फर्दर. आई थिंक माय प्रेजेंटेशन हैज एंडेड नाउ. नाउ गाइस, आई एम गिविंग यू अ वर्कशीट एंड देन मे बी वील कवर फॉर लाइक मोर कॉन्सेप्ट्स फॉर लाइक 15-20 मिनट्स एंड देन एंड द क्लास. देयर लाइक आई थिंक वन और टू मोर कॉन्सेप्ट्स. देखिए मौला बख्श कोलन इस वाले में, ठीक, कोलन तो हमने करा ही नहीं है. मौला बख्श वी हैव डन सेमी कोलन्स. तो कोलन का सवाल नहीं पूछे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर आप मुझे सेमी कोलन का पूछे तो आपको बता देता हूँ मैं. आप कोलन की बात कर रहे हैं, सेमी कोलन की बात कर रहे हैं. कोलन, देखिए कोलन यहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं हो सकता है गाइस.
कोलन कुछ और ही चीजें, कोलन को भूल जाए भाई, कोलन भूल जाए, सेमी कोलन बताएं आप। आप मौला बख्श सेमी कोलन की बात कर रहे हैं मुझसे? अच्छा ठीक है, अब मैं गाइस एक और वर्कशीट है ग्रुप पे, आप लोग उसको ट्राई करें, ठीक है, उसमें यही वाले क्वेश्चंस हैं। नहीं कोलन छोड़ दें मौला बख्श बेटा, अभी जो है ना बहुत मसला हो जाएगा। दीवान कॉमा स्प्लाइस जो होता है ना, वो कुछ जो चीज़ होती है मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूँ, वो चले बता देता हूँ मैं। वो कॉमा स्प्लाइस ये होता है बेटा कि जब आपका जो है कॉमा बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज होता है, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। ओके गाइस, आई टोल्ड दिस यू इन द बिगनिंग, कुछ लोग अभी तक कंफ्यूज है, मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ। इतना जल्दी में क्यों जा रहे हैं भाई आप लोग? क्या दिस इज अ कोलन एंड दिस इज अ सेमी कोलन? गाइज डू नॉट गेट कन्फ्यूज, लुक आई हैव नॉट डन कोलन विद यू अप टिल नाउ, आई हैव ओनली डन सेमी कोलन, राइट? सो प्लीज डू नॉट गो टूवर्ड्स कोलन। अभी आप कोलन के बारे में सोचोगे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, सारा जो हमने अभी सीखा है सब सब आगे पीछे हो जाएगा। तो अभी कोलन को भूल जाओ भाई, कोलन को भूल जाओ प्लीज, अभी सिर्फ सेमी कोलन के बारे में पूछो। और प्लीज यहाँ वहाँ क्वेश्चन नहीं करें, रेलिवेंट सवाल करें। जी शोएब पूछिए। हितेश आई होप यू गॉट इट। अच्छा गाइस यू कैन आस्क मी क्वेश्चन द रेस्ट ऑफ यू, देयर इज दिस वर्कशीट सेंड बाय सर शाहिद ऑन द ग्रुप, आई जस्ट शो इट टू यू, होल्ड ऑन। जस्ट टेक 10 मिनट्स, इट्स लाइक दे आर द सेम क्वेश्चन, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट दीज, ओके? जस्ट प्लीज लुक फॉर कॉमा मिस्टेक्स, दैट्स इट, लुक फॉर कॉमा मिस्टेक्स। यू हैव 10 मिनट्स, आई जस्ट स्टार्ट द स्टॉप वॉच, फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। यू सेड सेमी फैन, चेक द आंसर लेटर, लेट मी शो दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट बिकॉज मैनी ऑफ यू आर आस्किंग मी, तो मैं आपको दिखा दूं पहले ये फैन बॉयज, हाउ टू यूज द फैन बॉय कॉन्सेप्ट। भाई गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल वर आस्किंग मी सर व्हाट्स अ कॉमा स्प्लाइस, दिस इज अ कॉमा स्प्लाइस, लुक लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर। ही वॉज हंग्री, ही बॉट अ बरीटा, राइट? ही वॉज हंग्री, ही बॉट अ बरीटा। नाउ गाइज दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड यूजिंग अ कॉमा, अगेन दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड यूजिंग अ कॉमा, दिस इज रॉन्ग, ओके? यू कैनॉट, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यू हैव मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग सो, एंड वन वे इज टू पुट अ सेमी कोलन ओवर हेयर। यही बात हमने करी है ना भाई, कि अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होएंगे तो आप उसके बीच में सेमी कोलन लगाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे सेमी कोलन होना चाहिए था, या फिर यहाँ बीच में फुल स्टॉप होना चाहिए था, ओके? व्हाट एल्स कैन वी डू, आई जस्ट शो यू। ओके लुक एट दिस, ही वॉज हंग्री, ही बॉट अ बरीटा, ओके? दिस इज द करेक्ट वन, ही वॉज हंग्री, ही बॉट अ बरीटा, दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड विद अ सेमी कोलन, दिस इज करेक्ट, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड विद अ सेमी कोलन। अब वक्त तो हमें देखने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमें ही देखना है, ही से स्टार्ट हो रहा है ही इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब गाइज लुक, मैनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट द फैन बॉय कॉन्सेप्ट, दिस इज द फैन बॉय कॉन्सेप्ट। गाइज राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन योर कॉपीज, इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉमा फैन बॉयज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके? ही वॉज, दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ कनेक्टिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दिस इज अनदर वे ऑफ कनेक्टिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ही वॉज हंग्री, ही बॉट अ बरीटा। तो भाई दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, मैं बार 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 बता रहा हूँ गाइज, इसको ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, सही है? ही वॉज हंग्री वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही बॉट अ बरीटा सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही वॉज हंग्री वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही बॉट अ बरीटा सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, कनेक्टेड यूजिंग अ फैन बॉय, कनेक्टेड यूजिंग अ फैन बॉय। वॉट इज अ फैन बॉय फॉर एंड नॉर बट और येट सो, यस मौला बख्श ही पे आपको समझ में आ गया, ग्रेट गाइज, लेट्स मूव ऑन। नाउ गाइस वी कैन ओनली कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूजिंग अ फैन बॉय, वी कैन नॉट यूज एनी अदर वर्ड। लुक ओवर हेयर, इंस्टेड ऑफ अ फैन बॉय वी हैव यूज देयर फॉर, इंस्टेड ऑफ अ फैन बॉय वी हैव यूज देयर फॉर, सो दिस इज रॉन्ग गाइज, लुक दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज अ सेमी कोलन हैज टू बी यूज
सेमी कोलन शुड बी यूज टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. सेमी कोलन शुड बी यूज टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. दीज आर नॉट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. दीज आर नॉट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. सो दिस इज रॉन्ग. मैंने बता दिया तो करेक्ट हो गया. नाउ गाइज, दिस क्वेश्चन हैज बीन देयर मेनी मेनी टाइम्स. मैं इसको गाइज इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैंने इसको इतनी बार देखा ना इस क्वेश्चन को कि मैं आपको इसको लिख के ना आपको मैं बताता हूँ. होल्ड ऑन. लुक गाइस, द फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर बीइंग कनेक्टेड यूजिंग अ कॉमा. भाई देखें, डू नॉट वरी अबाउट द फाइल्स एंड द प्रेजेंटेशन. ओके, सर शाहिद विल गिव यू ऑल द मटीरियल. ओके, दिस मटीरियल इज मेड फॉर यू, सो यू कैन टॉक टू हिम अबाउट इट. जो मैं क्लास में करा रहा हूँ आपको सब मिल जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है. ठीक है, लेकिन अभी इसको गौर से देखें. द टीचर येल्ड एट एलिशिया, शी हैड लेफ्ट हर होमवर्क एट होम. दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड विद अ कॉमा. दिस इज वाई इट्स रॉन्ग. ठीक है, दिस इज वाई इट्स रॉन्ग. सो इंस्टेड ऑफ शी आई यूज हु. शी की जगह मैंने हु लगा दिया. शी की जगह मैंने हु लगा दिया तो क्या बन गया, ये इंडिपेंडेंट कॉमा डिपेंडेंट बन गया. राइट, तो ये अब सही हो जाएगा. देखें ये वाला क्या बन गया, ये बन गया इंडिपेंडेंट कॉमा डिपेंडेंट. ये हमारे फॉर्मूले को फिट हो गया. हमारे फॉर्मूले में इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉमा फुल स्टॉप डिपेंडेंट कॉमा डिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारे फॉर्मूले में फिट हो गया. दिस इज करेक्ट. ऑल राइट गाइज, सिमिलरली देर इज अनदर वन. लुक गाइस, द फर्स्ट वन इज रॉन्ग. अच्छा, इसमें आई विल गिव यू अ हिंट, इफ अ ट्रिक. इफ इट स्टार्ट्स विद दीज, इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. समझ जाना भाई, यही सवाल है. दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन देयर मल्टीपल टाइम्स. द फर्स्ट वन इज सिंपली टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बींग कनेक्टेड विद अ कॉमा. द फर्स्ट वन इज सिंपली टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बींग कनेक्टेड विद अ कॉमा. फर्स्ट वन इज रॉन्ग. सो इंस्टेड ऑफ दीज आई पुट विच. इंस्टेड ऑफ दीज आई पुट विच. Now I have independent comma dependent. Now it's correct. Okay, so now I have independent comma dependent clause. Now this is correct. Guys, is this clear? Shayan beta, which question are you talking about? हाँ, semicolon है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. हाँ, मुझे याद आ गया शायन. करेक्ट. ओके, क्लियर शोएब, ग्रेट. ओके, सादिया. ओके, हितेश एंड हिबा. ओके सना, ग्रेट गाइस. सो बिकॉज वी हैव अराउंड 20 मिनट्स लेफ्ट. ओके सना, वी कैन डू अनदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट. ओके करण, एंड आफ्टर दैट वी कैन मूव ऑन टू वी कैन चेक द आंसर्स एंड कॉल ऑफ द क्लास. राइट गाइस, कोलन्स आर ऑल्सो सिमिलर. दे लाइक कोलन ऑल्सो रिक्वायर्स सिमिलर स्किल्स. राइट, सो दीज स्किल्स आर रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस. सो आई जस्ट शो यू हाउ टू आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू अ कोलन. गाइज लुक, इफ यू आस्क मी, लुक गाइज, वेन एवर यू सी अ कोलन इन द टेस्ट, वेन एवर यू सी अ कोलन इन द टेस्ट. यस सादिया, बट देर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. Guys, whenever you see a colon in the test, remember there has to be an independent clause before the colon. There has to be an independent clause before the colon. Agar aap mujhse, if you ask about my experience, I have noticed whenever there is an independent clause before the colon, it's generally correct. आपको भाई देखें, आपको टेस्ट में कोलन नजर आया, ठीक है, आपने आपको ऑप्शन में कोलन नजर आ रहा है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने उसके बाद नहीं देखना है. आप सिर्फ पहले ये देखें भाई, कोलन से पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोलन से पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है या नहीं है. अगर कोलन से पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है
तो करेक्ट है, दैट्स इट। ठीक है, अब गाइज लुक एट, रीड दीज थ्री एग्जाम्पल्स,